दिल्ली के रोहानी इलाके में शुक्रवार देर रात महिला सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दीपांशु नाम के बैचमेट पीएसआई पर महिला पुलिसकर्मी की हत्या का आरोप था। पुलिस उसकी तलाश में ही थी कि शनिवार सुबह सोनीपत में उसका शव गाड़ी से मिला। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि दीपांशु ने उसी पिस्टल से खुदकुशी की, जिससे रात में उसने महिला पुलिसकर्मी को मार डाला। महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति अहलावत और दीपांशु ने 2018 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन की थी। प्रीति अहलावत पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में तैनात थी। शुक्रवार रात करीब 9 बजे वह ड्यूटी खत्म होने पर मेट्रो से पूर्वी रोहानी पहुंची और यहां से पैदल ही अपने घर की ओर निकली। स्टेशन से 50 मीटर ही आगे बढ़ी होंगी तभी उन पर गोलियां चला दी गई। उन पर 3 राउंड फायर किए गए। प्रीति को 2 गोली लगी जबकि एक बगल से जा रही कार के पिछले शीशे में जा लगी। प्रीति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमलावर मौके से भाग गया। पुलिस तलाश में थी। सुबह गन्नौर इलाके में शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक युवक उसमें नजर आया। वह अकेला और पैदल था। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में ही थी कि सुबह होते होते सारा सीन बदल गया। सोनीपत जिले के गन्नौर इलाके में गाड़ी में शव मिला। इसकी पहचान दिल्ली पुलिस में पीएसआई दीपांशु के रूप में हुई। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि दीपांशु ने पहले सब इंस्पेक्टर प्रीति की हत्या की, इसके बाद खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।